दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम को लेकर दो बड़ी खबर सामने आ रही है। पहला ये है कि यदि हम खुद अपना एग्जाम लिखे और हमारा हर पेपर में अलग अलग राइटिंग बन जाए, हैंड राइटिंग बन जाए, तो क्या हमें नकल प्रकरण दर्ज करके फाइल कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल, न्यूज़पेपर में हम ये सुन रहे हैं कि कई लोग दूसरे से लिखवा रहे हैं, हैंड राइटिंग वहां पर चेंजेस पाए जा रहे हैं और उनको फाइल किया जा रहा है, ऐसा रिसेंट अभी न्यूज आया था। और कई लोग कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ रहे थे कि इस बार क्या हमें फाइल किया जाएगा नकल प्रकरण में या हमें फाइल नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों बातों पर मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखो, मैं बता दूं, यदि आपका एग्जाम है और आप खुद पेपर नहीं लिख रहे हैं और किसी दूसरे को लिखवा रहे हैं, या फिर ऐसा होगा, मान लो जो आपका 5 एग्जाम होता है, 10 एग्जाम, 5 आप लिखे, 5 दूसरे को लिखवा दी, तो यहां पर आपको फाइल किया जाएगा, निश्चित फाइल किया जाएगा, ठीक है। और यदि आपका एग्जाम है 10 एग्जाम, 10 में से आप 10 पेपर खुद लिखे हो अपने हैंड राइटिंग से, तो वहां पर आपको बिल्कुल भी फाइल नहीं किया जाएगा। कोई माइकलाल आपको फाइल नहीं करेगा, इसका जिम्मेदारी मैं लेता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है। खुद लिखे हो तो फाइल कोई भी नहीं करेगा, और यदि आप दूसरे से लिखवाए होंगे तो जरूर आपको फाइल किया जा सकता है। यदि आप पूरा पेपर दूसरे से लिखवाए हो तो फाइल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आप खुद आधा लिखे हो, खुद दूसरे से लिखाए हो, या फिर 4-5 लोगों से लिखवाए हो, तो फाइल किया जाएगा। लेकिन बहुत लोग सवाल ये पूछते हैं कि सर, 10 पेपर या फिर जितने भी एग्जाम हमारे थे, मैंने खुद लिखे हैं, खुद अपने हैंड राइटिंग से, अपने हाथों से, लेकिन हर एग्जाम में, हर पेपर को लिखते टाइम मेरा जो राइटिंग है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट बन गया, तो क्या यहां पर मुझे फेल किया जाएगा या पास। मैं बता दूं दोस्तों, आप यदि अपने हैंड राइटिंग से लिखे हैं और अलग अलग बन भी जाए ना, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों, आपका हैंड राइटिंग यदि अलग अलग बनेगा तो इतने चेंजेस उसमें नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं खुद पेपर लिख रहा हूं तो हर पेपर में जरूरी नहीं है कि मेरा सेम टू सेम हैंडराइटिंग बने, लेकिन इतना तो है कि हर पेपर में सिमिलर रहेगा, ज्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल सकता ना। थोड़े बहुत चेंजेस तो हमारे राइटिंग में हो सकते हैं ना, लेकिन ज्यादा ओवर चेंजिंग नहीं है, ज्यादा ओवर चेंजिंग नहीं होगा। अपने हाथों से लिखोगे, अलग अलग प्रकार का राइटिंग भी आपको दिखेगा, तो उतने ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, सिमिलर टाइप आपको देखने को मिलेंगे। तो इस स्थिति में आपको फेल नहीं किया जाएगा, टेंशन मत लो। फेल कर देंगे, प्रूफ के तौर पर आप जाना खुद वहां पे 10 पेपर लिख के दिखाना, सभी में राइटिंग उनको दिखाना सामने वाले को, तब यकीन होगा, ठीक है। फेल नहीं होगा, बी पॉजिटिव, और दोस्तों आप भी कूल रहो, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। टेंशन उन लोग को लेना चाहिए जो आधा खुद से लिखे हैं, आधा दूसरे से लिखवाए, या 4-5 लोगों की मदद से पेपर को लिखवाए हैं। खुद जो लिखे हैं उनको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बिल्कुल रहो, बी पॉजिटिव। आपके कमेंट के ऊपर मैं ये वीडियो बनाया था। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम जल्द ही नए अपडेट में, नए वीडियो के साथ।